नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कृष्ण भगवान ने कलयुग के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की थी वो आज सच होती जाती दिखाई दे रही है। तो आइए इन बातों का जिक्र, हजारों साल पहले जो किया गया था वो भविष्यवाणियाँ क्या है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। श्री कृष्ण ने कहा था कि आने वाले समय में धन ही सर्वोपरि माना जाएगा। आने वाले समय में व्यक्ति से ज्यादा उसके धन को सम्मान दिया जाएगा। उसके जीवन भर के कर्मों की तुलना उसकी दौलत और शौहरत से की जाएगी। दूसरी बात यह है कि भगवत गीता में लिखा गया था कि आने वाले समय में जो व्यक्ति एक सफेद रंग का धागा पहनेगा उसे ही ब्राह्मण माना जाएगा, जो कि आज सच में वही बात दिखाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आने वाले समय में पेट भरने के लिए लोग मांस, जंगली शहद, फूल और बीज का सहारा लेंगे, जो आज सच है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा था कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें अधिकतर मनुष्यों की उम्र 50 वर्ष ही होकर रह जाएगी। यह भी कहा था कि इससे ज्यादा वही जिएगा जो अच्छे कर्म करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आने वाले समय में लोग कलह, कलेश, द्वेष, ईर्ष्या ये सब ज्यादा देखने को मिलेगा। धीरे धीरे लोगों के बीच आपसी प्रेम नफरत का रूप लेने लगेगी। पारिवारिक रिश्ते खराब होने लगेंगे और लोग अपने परिवार को छोड़ के अलग रहने लगेंगे। तो दोस्तों, आज के युग में ये सभी बातें हमें सच देखने को मिलती है, जिसका जिक्र श्री कृष्ण भगवान ने पहले ही भगवद गीता में किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे भी